गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल रीड चैप्टर कौन सा 29. ओके, नेशनल एम्बलम्स ऑफ फेमस कंट्रीज. ओके, जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं ना उनके, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन अलग अलग कंट्रीज के. ओके, फर्स्ट कंट्री कौन सी है आपकी? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एम्बल कौन सा है? कंगारू. ओके, तो कहाँ आएगा? कंगारू. आपको इस क्वेश्चन आंसर को करना कैसे है, आप पहले लिखोगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके नीचे आप आंसर क्या लिखोगे? कंगारू. ओके, क्वेश्चन आंसर की तरह करना है आपको इसको, ठीक है. बांग्लादेश, और बांग्लादेश का इसमें से कौन सा हो जाएगा? वाटर लिली. लिली एक तरीके का फ्लावर होता है ना, वाटर लिली उसका क्या है? नेशनल एम्बलम है. ओके, थर्ड वन इज, हाँ क्वेश्चन आंसर की तरह करना है, क्वेश्चन डाल के ऑस्ट्रेलिया डाल देना है और फिर आंसर में आपको इसका लिख देना है कंगारू. ओके, कैनेडा है, कैनेडा का नेशनल एम्बलम कौन सा होगा? मेपल लीफ. ये एक तरीके का पत्ता होता है, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है ये फ्लावर, उसकी लीफ होती है. ओके, फोर्थ है डेनमार्क, उसका कौन सा होगा? बीच. बीच तो पता है समुद्र के वहाँ जो बीच होते हैं, कभी आपने देखे गोवा के बीच वगैरह भी हैं, तो वो है उसका नेशनल एम्बलम. ओके, डेनमार्क का. फिफ्थ है फ्रांस, तो फ्रांस का कौन सा होगा इसमें से? लिली. लिली भी एक तरह का फ्लावर है, जो अपने वाटर लिली पढ़ा था ना वही है इसमें भी. ओके, लेकिन इसका नाम लिली, एक फ्लावर होता है ये. ओके, सिक्स्थ वन इज जर्मनी, जर्मनी का कौन सा होगा? कॉर्न फ्लावर. ओके, कॉर्न किसको बोलते हैं? मक्के को बोलते हैं ना, मक्का जो होती है उसको कॉर्न बोलते हैं अपन, तो उसका फ्लावर जो होता है वो उसका नेशनल एम्बलम, मतलब उसका राष्ट्रीय चिन्ह है. ओके, इंडिया, इंडिया का क्या होगा? लॉयन कैपिटल. ओके, अपने वो बना हुआ था ना नेशनल एम्बलम, जो भारतीय चिन्ह होता है जिसमें बीच में शेर बना हुआ होता है ना, वो वाला. ओके, ईरान, ईरान का कौन सा होगा? रोज. ओके, देन आता है आयरलैंड, आयरलैंड का होगा इसमें शेमरॉक, ठीक है, एक तरीके की शेमरॉक है, चट्टान है उसकी, उसका चिन्ह बना हुआ रहता है उनका. ओके, देन आता है इटली, इटली में आएगा वाइट लिली. ओके, उसमें वाटर लिली, लिली तीन कंट्रीज़ के हैं, एक जगह वाटर लिली है, एक जगह वाइट लिली है, एक जगह ओनली लिली है, ठीक है, तीन कंट्रीज़ के जो नेशनल एम्बलम है वो लिली आते हैं उसके अंदर, लेकिन सबका कुछ ना कुछ फ़र्क है, ठीक है, नाम में. ओके, इटली का हो गया. देन आता है जापान, जापान में भी एक तरीके का फ्लावर मिलता है, ये क्रेस्थेनम होता है एक फ्लावर, ठीक है, वहाँ का नाम थोड़ा अलग है क्योंकि जापान के नाम वैसे ही होते हैं आपको पता है, तो उसका कौन सा है नेशनल एम्बलम? ये है. ओके, नॉर्वे, नॉर्वे का कौन सा होगा? लायन. ओके, अपना इंडिया में और नॉर्वे वाले में क्या फ़र्क है? इंडिया का लायन कैपिटल है और इसमें लायन, ओनली लायन है. ओके, नॉर्वे में. पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौन सा होगा? क्रेसेंट, ये भी वहाँ का एक पक्षी होता है. ओके, स्पेन, स्पेन में ये रहा ईगल, ईगल तो सबको पता है क्या होता है? बाज, ठीक है, गिद्ध और वो होते हैं जो. अब आएगा श्रीलंका, श्रीलंका का होगा स्वेड एंड लॉयन, मतलब स्वेड एंड तलवार और लॉयन. ओके, रशिया, रशिया में आएगा अपना सिकल एंड हैमर. ओके, है कुल्हाड़ी और एक और चीज़ होती है उसके साथ में, ठीक है, वो होती है. ओके, फिर आता है अपना 17 में आता है यूनाइटेड किंगडम, उसका क्या होगा? रोज. रोज दो कंट्रीज़ का है, ध्यान रखना है आपको, कौन कौन सी कंट्री का? ईरान का भी रोज ही है और यूनाइटेड किंगडम का भी रोज ही है. ओके, अब आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ओके, उसका क्या होगा? गोल्डन रोड. ओके, ये चैप्टर आपको करना है अपनी नोटबुक में. ओके, आई विल सेंड यू द पिक्स इन द ग्रुप. ओके.